रूस यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन ने भारत से मांगी मदद। लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब जब 40 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं, वहीं यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मारने और 6 फाइटर जेट टैंक तबाह करने का दावा किया है। रूस अब 3 तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। उसकी आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है। इधर नई दिल्ली में यूक्रेन अम्बेसडर मीडिया के सामने आए और पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी सैन्य और आर्थिक हमले की तैयारी में जुट गए हैं। ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला ने कहा, रूस की इकॉनमी को तबाह कर दिया जाएगा। इसके पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। धमकाने वाले अंदाज में बोले, रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेज की तरफ था। बयान के 5 मिनट बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ, वहां एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट डेंजर जोन अलर्ट चलते लौट आई है। यूक्रेन ने कहा, हम पर 3 तरफ से रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। लुहांस्क, खार्किव, चेरनी, सुमी और जैटोमी प्रांतों में हमले जारी हैं। रूस की ग्राउंड फोर्सेज यूक्रेन में घुस गई और वहां कई गांवों पर कब्जा कर लिया। रूस के कमांडो पैराट्रूपर्स यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के करीब उतर कर इनको अपने कब्जे में ले रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 50 सैनिक मार गिराए हैं, इसके 6 फाइटर जेट्स और 4 टैंक्स तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन के लिए दिल्ली में एम्बेसडर ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की। यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा, भारत ने हमेशा सही बात का पक्ष लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस मामले को सुलझाने और हमारे लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे। भारत और यूक्रेन के बीच पुराने रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में रसूख है, उन्हें पुतिन से बातचीत करनी चाहिए।